ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को सुप्रभात गुड मॉर्निंग जय जिने। तो आप सभी को पता है हमारी बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है मधुसूदन जी नाडे सर जो पुणे से है जिन्होंने सर्टिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड कोर्सेस के अलग अलग कोर्स इसमें योगा में नेचुरोपैथी में बहुत एक्यूप्रेशर में ऐसे अनेक कोर्सेस के और बहुत साल से सर प्रशिक्षक के नाते सेवा देते हैं। तो पुनः मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम मधुसूदन सर वेलकम 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 आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हमारे आनंदमल सेठिया सर जो एमपी के फाउंडर है वो भी स्क्रीन पर है उनका भी हार्दिक स्वागत। जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो सर आनंदमल सर कुछ बात करना चाहेंगे उसके बाद में मधुसूदन सर शुरू करेंगे कक्षा। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। आज हमारे विशेष अतिथि मधुसूदन जी नाडे का हम तीनों संस्थाओं की तरफ से वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी से निवेदन ओम अरहम के साथ आप मधुसूदन जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आप सभी का सभी को सुप्रभात तथा सभी का स्वागत करता हूं मैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में सत सत नमन। तीन बार ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र संगठन मंत्र और प्रार्थना। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् मृत्योर्मा अमृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति। तो ईश्वर के आह्वान के बाद आइए थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करते हाथों को खोल लीजिए सामने और उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए। तो आज का विषय आप जानते हैं वेट बैलेंस। कोई मोटा है कोई वजन कम है किसी का किसी को ओवर वेट है किसी को अंडर वेट है ना। तो सारी समस्या सारे रोगों की जड़ है मोटापा। एक किलो भी हमारा वजन बढ़ गया शरीर का शरीर की ऊंचाई जितनी इंच है उतना किलो हमारा वजन होना चाहिए और होता कुछ और है ना। तो जितने इंच आपकी हाइट है उतना किलो आपका वजन होना चाहिए ये
एक साधारण सूत्र है। आप अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 170 हो गया, तो 100 उसमें से वजा करने हैं, तो 70 किलो आपका वजन होता है। ठीक है, तो ये ऐसे आप जान सकते हैं कि हमारे शरीर की ऊंचाई कितनी है और वजन कितना है, शरीर बैलेंस है कि नहीं है, है ना। ऐसे हाथों के व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं आज, वैसे भी पसीना बहाना है, पसीना बहाना है। तो पसीना बहाने से क्या होगा, जो अतिरिक्त फैट है वो मेल्ट हो जाए और वेट जो है बैलेंस होने के लिए शुरुआत होगी। यही अभ्यास रोज करना है। अगर किसी को मोटापे से मुक्ति चाहिए, वेट बैलेंस होना चाहिए, और यही अभ्यास जो कम वेट वाले, अंडर वेट वाले हैं, उनको भी यही करना है, ताकि उनके शरीर का पूरी तरह से अंदर से बाहर से संतुलन हो, वात पित्त कफ सब दोष हो। ऐसे गोल घुमाइए, आइए गर्दन के भी अभ्यास कर लीजिए, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। श्वासों के साथ कीजिए, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और नीचे करेंगे तो पूरी तरह से कंठ अपने कूप में लगा दीजिए, ऊपर करेंगे तो पूरी तरह से पीछे जाना है, आंखें खुली रखनी है, जारी रखिए। तो बैठकर कुछ अभ्यास करने हैं व्यायाम के रूप में, खड़े होकर कुछ अभ्यास व्यायाम के रूप में, फिर उल्टे लेटकर, पेट के बल लेटकर कुछ अभ्यास करने हैं, और कुछ शयन स्थिति में यानी सीधे लेटकर करने हैं। आइए गर्दन को गोल घुमाइए, आंखें खुली रखिए, और यथाशक्ति करना है। जो बुजुर्ग है, हार्ट हाई बीपी की समस्या है, दमा अस्थमा की समस्या है, वो धीरे धीरे करे करे, लेकिन वीडियो अपना ऑन रखिए ताकि मैं भी देख सकता हूँ आप क्या कर रहे हैं, है ना। और फिर जो अपने शक्ति सामर्थ्य के साथ अभ्यास करेंगे योग का, जो व्यायाम के बाद जो प्राणायाम करने हैं, पूरा खोल दीजिए ऐसे, हाथ ऊपर, हाथों की उंगलियां आपस में फंसा कर खोल दीजिए, पीछे पूरी तरह से ऊपर खींच लीजिए, कमर से लेकर मेरुदंड को पूरी तरह से, और फिर माथे के पीछे लगा दीजिए, सर के पीछे लगा दीजिए, पूरी तरह से दबाव देते हुए एक दूसरे को, एक दूसरे के खिलाफ दबाना है, हाथ के खिलाफ सर को, सर के खिलाफ हाथ को दबाना है। हमें क्या करना है, जानना और जीना, इसमें अंतर नहीं करना है। जब हम जानते हैं कि हम योग से स्वस्थ रह सकते हैं, तो फिर करने में क्या हर्जा है। तो योग ही सबका समाधान है, सभी रोगों का समाधान है, स्वस्थ रहने के लिए योग ही एक माध्यम है। योग नास्ति योगात परम बलम, जो महर्षि घेरण जी कहते हैं, योग से बड़ा कोई बल नहीं। और फिर दोनों हाथों की कलाई आपस में पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, सर के पीछे लगाएंगे ऐसे, ऐसे हमें नहीं झुकना है, सिर्फ हाथ को, है ना, हाथ को, ये पसली जो है ना, ये पसली को ऐसे खींचना है, सर के पीछे हाथ लेंगे ऐसे, हाँ ऐसे खींच लीजिए, हमने हमें नहीं झुकना। चलो थोड़ा कंधों को गोल घुमा दीजिए, कंधों को गोल घुमा दीजिए, आराम से घुमाइए। और तो वजन का सूत्र आपको समझ में आया, शरीर का वजन कितना चाहिए
यह शरीर एकमात्र ऐसी कृति है ईश्वर की, सर्वश्रेष्ठ कृति है। सब कुछ भरा हुआ है शरीर में, रहस्यमय शरीर है, कोई जान न पाया है अभी तक। लेकिन ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने उसके ऊपर कितना अभ्यास किया है, और वही अभ्यास हमारे सामने रखा है, तो करना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के अभ्यास की, तितली आसन भद्रासन से। तो इसको पहले थोड़े धीरे से करेंगे, थोड़ा पीछे पूरी तरह से पैरों को जमीन को लगाएंगे, ऐसे जितने नितंब की ओर पैर आ सकते हैं एड़ियों को बीचों बीच लगा दीजिए शिवनी में, ये पैरों को तानते हुए जमीन पर लगा दीजिए, थोड़ा स्थित हो जाइए, फिर ऊपर लीजिए, फिर नीचे कर लीजिए, ऐसे हाथों को ऐसे दोनों पैरों को जोड़कर, फिर ये अभ्यास पहले धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे मसल्स की ट्यूनिंग हो जाएगी, धीरे धीरे करेंगे तो मसल्स की ट्यूनिंग हो जाएगी, और फिर गति बढ़ाते हुए इसको 50 बार कर लीजिए, गति बढ़ाकर ऐसे 50 बार ऊपर नीचे करेंगे। बहुत अच्छा, कुछ साइन आया है उसमें ओके कर देता हूँ। आशा है मेरा वीडियो ऑडियो ऑडियो ठीक रहेगा, और ये सब ठीक रहेगा तो ही आप भी व्यवस्थित करेंगे और फिर आपको सिखाने में मुझे भी आनंद आएगा। तो महर्षि किरण जी कहते हैं, नास्ति मोहात परं प्राश, ये मोह है ना, पाश है, मोह पाशों में आदमी जकड़ जाता है। करते रहिए, 50 बार करना है ना, और सुनना भी है। नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परम बंधु, ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, सखा नहीं है, ज्ञान अर्पित करना है। ना अहंकारात परम रिपुः, अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं। तो महर्षि किरण जी का ये श्लोक है किरण संहिता में। चलो ये हो गया 50 बार, आओ आगे दोनों पैरों को फैला दीजिए, सुखासन दंडासन में बैठिए, दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के साथ, थोड़ा पैरों की उंगलियों का अभ्यास कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, पैरों की उंगलियों के अभ्यास कीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। तो योग से बड़ा कोई बल नहीं है, और ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि योग ही एकमात्र सॉल्यूशन है या पर्याय है ना, लेकिन करने में काम चोरी करते हैं। करना क्यों नहीं है? कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, कोई बोलता है मेरे को बहुत काम रहता है ना, सुबह सुबह उठना पड़ता है, सुबह उठने वाली आदत अच्छी है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन सुबह उठ के करोगे क्या? सुबह उठ के आओ शुरुआत करते हैं, चक्की को पकड़ो और ऐसे घुमा दो, पहले धीरे धीरे, कमर में दर्द है ज्यादा आगे मत जाइए, और ऐसे पीछे जाएंगे, श्वासों के साथ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास लेते हुए पीछे आएंगे, पूरा संतुलन में करना है और एक रिदम से करना है। पहले 2 बार है ना, धीरे धीरे करो, मसल्स की ट्यूनिंग हो जाएगी, और फिर ऐसे एक ओर से 25 बार कीजिए, कर लो ऐसे एक ओर से 25 बार, थोड़ा सा कमर को, पेट को, पीठ को भगाओ, थोड़ा सा व्यायाम कराओ उससे, ऐसे घुमाओ घुमाओ। तो फिर योग तो करने लगा व्यक्ति, योग करता है, फिर क्या बोला, आहार पे ध्यान नहीं देता है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं उसका कारण बता रहा हूं, उसके कारण बता रहा हूं है ना, और सबको पता भी है,
कि मैं योग नहीं करता हूँ, व्यायाम का अभाव है, बीमार हो गया। फिर ऐसा आगे मत जाइए, मेरे साथ ही कीजिए भाई बहन जी, ऐसे ही करो, चक्की घुमाओ, एक ओर से हो गया 25 बार, दूसरी ओर से करो, वो भी करना है हमें आगे, वो भी करना है, ऐसे करो 2 बार आहिस्ता से करो, ट्यूनिंग कर लो, और फिर 25 बार घुमाओ गति से, आगे पीछे भी होना है, कमर में आगे पीछे भी होना है, मेरुदंड को सीधा भी रखना है, ऐसे करो करो, करते रहो। तो दूसरा, आहार पे नियंत्रण नहीं है, आहार आहार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, अभी सिर्फ कारण जान लेते हैं। तो व्यायाम का अभाव, योग नहीं करते हैं, करो करो करो, 10 बार हो गया, 25 बार कर लो, धीरे धीरे कर लो क्षमता के अनुसार। फिर तीसरा क्या है, दिनचर्या ठीक नहीं है, पैरों में अंतर कर लीजिए, पैरों में इनर थाइज में अंतर कर लीजिए, ऐसे बैठिए, फिर एक हाथ दूसरे पैर, दाहिना हाथ उठाया बाएं पैर पे गया, बाया पे हाथ जो है पीछे लेके जाएंगे, हथेली को देखेंगे, है ना, कराग्रे लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शन करना है, कप दर्शन नहीं करना है, क्या करना है, चाय नहीं पीनी है, और आहार पे ध्यान देना है। तो दिनचर्या ठीक नहीं है, कभी भी उठता है, कभी भी सोता है, कभी भी जागता है, हमारे शरीर के अंग जैसे हम दिन भर में काम करते हैं ना, किसी की ड्यूटी रहती है 8 से 4 बजे तक, 5, 9 से 5 बजे तक, 10 से 6 बजे तक, करते रहो, ये 50 बार करना है, 50 बार कैसे, ये 100 बार होगा, एक तरफ से 50 बार दूसरी तरफ से, ऐसे गति बढ़ा के करो, थोड़ा पसीना आने दो, ऐसे ऐसे गति से कर लो। तो कभी भी उठना, कभी भी जागना नहीं, रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठ जाएंगे बराबर, शरीर ही अपने आप उठाता है आपको, मल त्याग के लिए, मूत्र त्याग के लिए, दिनचर्या ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी रोग होते हैं, विकार होते हैं, और करते रहिए करते रहिए, मैं भी कर रहा हूं आपके लिए, करो 100 बार हो गया, ऐसे। तो फिर क्या होता है कि हमारे माँ बाप जेनेटिक डिसीज भी होते हैं, माँ बाप को कुछ समस्या है वो बच्चों को होती है, आजकल तो बहुत हो रही है, क्यों, माँ बाप की गलती बहुत होती है, प्रेगनेंसी में महिलाएं कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, पिज्जा बर्गर खाती है, फास्ट फूड जंक फूड, हो गया आप थक गए, चलो आगे चलते हैं, फिर थक गए तो बोलिए वो तो दिखेगा मुझे, चलो सामने हाथ, दोनों हाथ घुटने पर, दोनों पैर मिले हुए, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए जितना आगे झुक सकते हैं कमर के और कमर से, और मेरुदंड सीधा रखते हुए खींचते हुए आगे घुटने को सर को लगा दीजिए, पश्चिमोत्तानासन, श्वास लेते हुए पीछे 2 बार आहिस्ता से कर लीजिए, ट्यूनिंग कर लीजिए, अपनी ट्यूनिंग कर लीजिए मसल्स की, ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं ना, इससे नुकसान नहीं होता है, वेट कम होगा, पसीना आएगा, और वेट कम करते हैं लेकिन मसल मास ठीक नहीं होता है, वो बिगड़ जाता है, बोन डेंसिटी कम होती है, तो वो वेट कम नहीं होना, ऐसा नहीं, वेट कम करना है, वेट भी कम करना है, मसल मास भी ठीक होना चाहिए, बोन डेंसिटी भी ठीक होनी चाहिए, गति से कर लो, अब हो गया ट्यूनिंग, गति से कर लो, ऐसे ही 2, 3, 4, ऐसे गति से कर लो, लेकिन कमर में दर्द है तो थोड़ा सावधानी से, थोड़ा ही झुकेंगे आगे, बाकी पूरी तरह से जाएंगे,
तरह से आएंगे। श्वासों के साथ करना है, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अभी मेरे स्क्रीन पे तो 5-6 लोग ही दिख रहे हैं। राजू जी आप देख लीजिए कर रहे हैं कि नहीं, आप भी करिए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल करते बस करते करते पसीना बहने दो जरा, यही सभी कर रहे बढ़िया। उद्देश्य रहता है इसका, ये अभ्यास का है ना, यही उद्देश्य रहता है। पसीना बहाओ, मोटापा कम करो, वेट बैलेंस करो। और तो जेनेटिक रीजन भी होता है हमें रोगी बनने के लिए। दिनचर्या ठीक नहीं है, आहारचर्या व्यवस्थित नहीं है, रात्रिचर्या व्यवस्थित नहीं है। करो 50 बार हो गया, करो करो करो, करते रहो। हाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। बुजुर्ग है, कोई दमा अस्थमा की शिकायत है, हार्ट हाई बीपी की समस्या है, तो थोड़ा धीरे धीरे करो, लेकिन करो। युवाओं के लिए और बता देता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, जो कर सकता है वही करे। हाँ ऐसे पश्चिमोत्तानासन करना है, देखिए ऐसे पश्चिमोत्तानासन किया, दोनों हाथ पैर लेकर पीछे जाना है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कर लो 25 बार, करो बहाओ, थोड़ा वाह मजा, सा बहने दो। अभी शुरू हुआ है, पूरा वाह शरीर गर्म हुआ है। कौन कौन कर रहा है, आराम से करो। नीचे पीठ को भी देखो, कहीं पत्थर बित्तर होगा तो लगेगा। अपना आसन ठीक है, श्योर करने के बाद जाओ पीछे, पैर सीधे, हाथ सीधे, पूरी तरह से ऐसे मसाज करने है पीठ की, रीढ़ की हड्डी की, जितना जा सकते हैं। हलासन के रूप में गए तो भी ठीक है, पूरी तरह से पश्चिमोत्तानासन के रूप में आ गए तो भी ठीक हाँ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, बहुत अच्छा, गुड। तो ये बैठकर इतने अभ्यास है, बैठकर इतने अभ्यास है। अब आइए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, जगह पर खड़े हो जाइए। अब दिख रहे हैं मुझे, सभी कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत आनंद है। तो खड़े रहकर 5 अभ्यास कौन से है। पैर में कंधे जितना फासला कीजिए, पैरों में 1 से 1.5 फुट का अंतर, यानी कंधे जितना अंतर करना है। फिर क्या करना है, हाथों की उंगलियां आपस में फंसा कर ऊपर की ओर खींचना है। ये पहला अभ्यास है, पूरी तरह से खींच ले दिया, अच्छा लगता है, मेरुदंड पूरा ऊपर खींचा जाता है। और फिर क्या करना है, तिर्यक ताड़ासन, साइड में जाना है, खींची हुई स्थिति में ही, कमर को ढीला नहीं छोड़ना है, खींची हुई स्थिति में ही धीरे 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 नीचे जाएंगे, मसल्स की ट्यूनिंग कर लेंगे। अब ये पीछे जो साइड में झुकते हैं वो अपने सामर्थ्य के अनुसार झुकिए, कोई पूरा झुक पाएगा, कोई आधा झुक पाएगा, कोई झुक ही नहीं पाएगा, तो भी यथाशक्ति करें, यथाशक्ति करना जरूरी है, करना जरूरी है। और करें क्यों, आप तो फल का उद्दिष्ट सामने रखकर कर रहे हैं ना, मेरा मोटापा कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी जब हम कर्म करते हैं तो कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने पर ही हमारा अधिकार, मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्म, वैसे कर्म करना है। तो अभी तो कर लो, व्यायाम तो कर लो, योग के लिए आए हैं, योग कर, आराम से पहले 2 बार आराम से करने के बाद, मसल्स की ट्यूनिंग होने के बाद धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे, है ना। इससे क्या होता है, इससे ये जंगा में फैट, यहाँ कमर पर भी फैट है तो वो पिघल जाएगा,
मेल्ट हो जाएगा, उसका रूपांतरण स्वेदन में, स्वेद में हो जाएगा, स्वेदन हो जाएगा शरीर का, त्वचा विकार भी दूर हो जाते हैं स्वेदन का काम करने के बाद। ऐसे कर लो, रुको नहीं, धीरे धीरे करते रहो। 50 बार हो गया ऐसे, ये तो 100 बार होना चाहिए ना, 50 बार एक ओर से, 50 बार दूसरी ओर से, ऐसे करो। ये पतंजलि के, पतंजलि योगपीठ में तो है ना, यही अभ्यास 3 घंटा चलाते हैं, बीच में प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, यही अभ्यास दोहराते रहते हैं। आहार उनके ताबे में रहता है हमारा, फलाहार रसाहार ज्यादा करते हैं, कठिन आहार जो है गुरु भोजन जरा कम कर देते हैं, और आप भी अनाज कुछ दिन बंद कर लीजिए, नमक मीठा कुछ बंद कर दीजिए, वेट बढ़ा हुआ है, पूरा संतुलन बिगड़ गया है शरीर का, तो आपको नमक मीठा बंद करके अब तीसरा अभ्यास, दूसरा अभ्यास पैरों में अंतर कर लीजिए, और त्रिकोणासन हम करते हैं योगिक जॉगिंग में, पहले 2 बार धीरे धीरे ऐसे जाएंगे, धीरे 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 जितना जा सकते हैं नीचे जाएंगे, मसल्स की ट्यूनिंग कर लेंगे, और ये वैज्ञानिक अभ्यास है ना, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक अभ्यास है, इसमें हानि नहीं है, हानि रहित है और लाभकारी है। श्वासों के साथ कर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, श्वास लेते हुए ऊपर आना है, और धीरे धीरे गति बढ़ानी है, पहले 2 बार आप आगे, हाँ नहीं ठीक है बरोबर है, हाथ को ऐसे ले लीजिए, हाथ को कान के ऊपर ले लीजिए, भुजा कान को लगेगी ऐसे, थोड़ा हाथ भी नीचे जमीन के, हाँ ऐसे जमीन की तरफ दबा दीजिए, आपका नाम तो मुझे नहीं दिखता है लेकिन आपकी कृति मुझे दिखती है ना, ऐसे करते रहिए, मुझे पिन कर लीजिए ताकि मेरा व्यू बड़ा दिखेगा, तो आपको कोई संशय नहीं रहेगा। चलो ये हो गया, 100 बार, 50 इधर से 50 उधर से हो गया, पसीना मुझे तो शुरू हुआ है, हो सकता है आपको भी हो गया होगा ना, और यथाशक्ति कर लीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो अच्छा जिनको वेट कम करना है, बैलेंस करना है, तो वो तो आराम से करते रहेंगे। अब इसका अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास, देखिए एक हाथ दूसरे पैर पर जाएगा, और जिनको कमर में शिकायत है ना, वो हाथ यहां तक ही लेके जाएंगे, एक हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है, इतना ही करेंगे, जिनकी कमर में कोई शिकायत है, दर्द रहता है, और नहीं है तो पूरा पूरा जाना है, पूरा झुकना है, ऊपर वाले हाथ को देखना है, थोड़ी देर स्थित हो जाना है, ट्यूनिंग कर लेनी है, ऐसे धीरे धीरे, पहले पहले दोनों तरफ से है ना, एक दो बार, दो दो बार, धीरे धीरे करेंगे, ऊपर उठना भी है, नीचे नीचे ये हाथ चलाने नहीं है, ऊपर उठ के दूसरी ओर जाना है, अब क्या करना है, गति से 100 बार करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गर्दन को भी घुमाना है, गर्दन भी इधर उधर होगी, कमर छाती भी इधर उधर होगी, ऐसे करते रहिए 100 बार, कैसे रहेगा मोटापा, कैसे रहेगा रोग हमारे शरीर में, नहीं रहेगा, करो करो, थको मत, करो श्वासों के साथ करो, एक रिदम में किया ना तो थकान भी नहीं आती है, शरीर का काम व्यवस्थित होता है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, श्वासों के साथ कीजिए, रिदम में कीजिए, और मुझे देखते हुए करिए, मुझे तो कुछ करना नहीं है, मेरा वेट बैलेंस है 63 से 65, 60 के अबव बरोबर है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलेषु किंचन, थक जाते हो, थक गए,
चलो अगला अभ्यास करेंगे। किसी किसी का यहाँ मेद बढ़ा हुआ रहता है, उसको कैसे कम करें? श्वास लेते हुए पीछे, दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा घुटने को लगाना है, हाथ जमीन पर, किसी को कमर में शिकायत है तो इतना ही झुकेंगे, इतना ही करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, इतना ही करो। और क्यों, कमर में कोई शिकायत नहीं है, स्वस्थ है, पूरा जाइए, पूरा ही है, ऐसे ऐसे श्वासन के साथ ऊपर आते हुए श्वास लीजिए, नीचे जाते हुए श्वास को छोड़िए, ऐसे। तो पार्थ को अर्जुन को क्या कहते हैं? मुझे तो कोई कर्तव्य नहीं है, तीसु लोके सुकंच, तीनों लोकों में, लेकिन नानवाप्तमो वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। क्या बोलते हैं? मुझे प्राप्त करने लायक भी कोई बचा नहीं, शेष नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, है ना? तो तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? क्षत्रिय धर्म निभाओ, कर्तव्य करो, कर्म करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो वैसे ही उसी तरह मुझे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए मैंने अपना उदाहरण दिया और भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ा। अच्छा हुआ ना? आइए अब अगला अभ्यास देखिए। ऐसे हाथ पैर ऐसे करेंगे, ये जारी रखिए, 100 बार नहीं, 100 बार ये 50 बार कर लो, करो करो करो। क्या ऊपर ताली भी बजनी है, आके प्रेशर भी हो जाएगा। करो करो करो, आपको देखते दिखाते दिखा दे कि 50 बार हो गया। तो ये खड़े होकर इतने अभ्यास है, अब उल्टे लेटकर 2 अभ्यास। आइए पेट के बल लेटिए, मेरा वीडियो ठीक है? मैं हाँ ठीक है लेटा सर, हुआ दिख रहा? बहुत हाँ दिख रहा अच्छा, दिख थोड़ा रहा। विश्राम कर, थोड़ा इस आसन में, वक्रासन में विश्राम कर लीजिए। पसीना आया है, पोछ लीजिए, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, एक दो घूंट पानी भी पी लीजिए और श्वासों के साथ एकाकार हो जाइए। श्वास लेना है, बाहर करना है। स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं, यावत् वायु स्थितो देहे तावत् जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयत्। ये वायु ही हमें, यही प्राण है, यही ब्रह्म है, यही माता है, यही पिता है। तो इसलिए प्राणायाम कर श्वासों के साथ हम एकाकार हो जाते हैं। थोड़ा विश्राम हो गया, आइए अर्धभुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन। अब देखिए हाथों का जो मेद है, छाती का मेद है, कैसे कम करेंगे? पेट का मेद है, कम कैसे करेंगे? आधा उठाइए ऐसे, अर्धभुजंगासन आधा उठाइए। पहले थोड़ा धीरे करिए, मसल्स की ट्यूनिंग हो जाएगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। महसूस कर लीजिए कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे जकड़न है, अकड़न है, महसूस करते हुए करना है। पहले आसन के रूप में करना है, फिर उसको व्यायाम के रूप में परिवर्तित करते हुए 25 बार कर लीजिए, 50 बार कर लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे कर लो, करो करो, करते रहिए। तो योग करना प्रथम प्राथमिकता है,
हमारी प्रथम प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? योग। और योग माने योगा नहीं है। कोई आवाज रहे, कोई दिक्कत है क्या? क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं कोई? चलो तो क्या कह रहा था, पासों के साथ कीजिए ऐसे। तो योग तो करने लगे, योग करके हम हमारे संधियों को, हमारे अंतरंगों को, जैसे कितने अंग है, नस नाड़ियां ही कितनी है, 72 करोड़, 72,10,201 नस नाड़ी है, और 206 हड्डियां है, अस्थियां है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से भरा हुआ है शरीर। और तो चारों को, ये अर्धभुजंगासन हो गया 50 बार। चलो आगे चलते हैं, दोनों हाथ थोड़े के नीचे और पूरा उठाएंगे, पूरा उठाइए, हाथ सीधे होंगे, गर्दन पीछे, और जितनी बार हम अभ्यास करेंगे ना, यही परिस्थिति होनी चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए हमारी। या आसन के रूप में जैसे करते हैं, वैसे ही जब गति बढ़ाकर व्यायाम के रूप में करना है, ऐसे। तो आहार करते समय, आहार लेते समय, भोजन करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। सही समय, राइट टाइम, भोजन का समय निश्चित करना चाहिए, जो महर्षि चरक भी कहते हैं, मित भुक, हित भुक और ऋत भुक। मित भुक, समय निश्चित होना चाहिए। हित कर, जो हमारे हितावह है, शरीर शाकाहार के लिए बना है, शाकाहार ही करना है, मांसाहार नहीं करना है। और शाकाहार भी शुद्ध होना चाहिए, है ना? नहीं तो शाकाहार है तो पिज्जा बर्गर खा रहे, मैदा वाला, चीनी खा रहे, मिठाई खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, नमक वाला, वो उसका कुछ लाभ नहीं है। सात्विक भोजन। तो मित भुक, हित भुक और ऋत भुक, हिता हुआ है वही खाना है, ऋतु के अनुसार जो भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उन्हीं को भोजन करना है। पूरा किया, 50 बार किया, देखा नहीं मैंने, मैंने तो किया, करो और 10 बार कर लो ऐसे ऐसे, थक गए हैं तो धीरे धीरे कर लो। इससे ये हमारे हाथ की मजबूती होती है, छाती, पेट, सुंदर, सुडौल, आकर्षक और निरोगी शरीर होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, सुंदर, सुडौल, आकर्षक और निरोगी। तो सही समय होना चाहिए, सही मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ फूड, हम जो भोजन कर रहे हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, हथेली ऊपर की ओर, एक एक पैर को उठाएंगे, ऐसे उठाना है, पूरा तान देना है पीछे, शलभासन। भुजंगासन के 2 प्रकार, शलभासन के 2 प्रकार, ये पैर को पूरी तरह से तानते हुए पीछे खींचना है, ऐसे कोई महसूस करना है कि कोई हमारी टांग खींच के हमें जगा रहा है, टांग खींच रहा है। तो सही समय हो, सही क्वांटिटी मात्रा हो, और सही स्रोत हो, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स भी ठीक हो, नैसर्गिक सा, निसर्ग से मिला हुआ है, वो सही सोर्स है। करते रहिए, एक एक पैर, पहले एक एक पैर से कीजिए, 50 बार कर लीजिए, दोनों पैर पे 25-25 बार उठेंगे, नीचे जाएंगे, या तो ऊपर ही ऊपर ऐसे करते रहिए तो भी चलेगा, और फिर 25-25 बार दोनों पैरों से एक साथ भी कर लीजिए, ऐसे उठाएंगे दोनों पैर, थोड़ा स्थित हो जाएंगे, फिर नीचे लेंगे, करिए। मैं देखता हूँ आपको, थोड़ी को जमीन पर ही रखिए, मुझे आपको देखने के लिए उठानी पड़ती है, ऐसे फिर 25 बार कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार।
और थोड़ा विश्राम भी बनता है। दोनों हाथ टोड़ी के नीचे ले लीजिए, पैरों में अंतर कर लीजिए, एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। अपने गाल को रख सकते हैं, माथे को रख सकते हैं, सर को रख सकते हैं, ऐसे थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो सही समय, राइट टाइम, सही मात्रा, राइट क्वांटिटी, और सही स्रोत, राइट सोर्स, तो ये जरूरी है। ठीक है, मिथ बुक, हित बुक, ऋत बुक। फिर सही मात्रा जो है, क्वांटिटी है, वो कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए महर्षि घेरण जी का श्लोक देखते हैं। अन्नेन पूर्येतार्थम तोयेन तृतीयकम। अन्न आधा पेट, अन्न से भरना है, आधा जो बचेगा उसका आधा पानी से भरना है, पानी के लिए, और फिर उसका आधा शेष रखना है वायु के लिए। उदरस्य तूर्यांशस्य संरक्षेत् वायु धारणेत्। आइए पीठ के बल शयन स्थिति में आइए, सीधे लेट जाइए। सीधे लेटकर तीन अभ्यास व्यायाम के और फिर दो अभ्यास विश्राम के। आओ, एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाना है, अर्धहलासन की स्थिति में पूरा उठाना है, ऐसे पैर सीधा हो, घुटने में मोड़ना नहीं है, पूरा पूरा उठाना है, नीचे रखना है, दूसरा उठाना है, नीचे रखना। तो अब आधा पेट कैसे पता चलेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको भूख लगने पर भोजन करना है। आपने जितना भोजन किया वो पूरा पेट हो गया, तो उसका क्वांटिटी आधा करना है। आपने चार चोर रोटी खाई होगी तो दो रोटी करनी है। दो कटोरी सब्जी है, सब्जी को कोई ये नहीं है, ज्यादा सब्जी रहेगा तो कोई विशेष उसमें ये नहीं है, तो सब्जी का मात्रा वही, दाल की लेकिन क्वांटिटी आधी करनी पड़ेगी। एक एक पैर हो गया, ऐसे ऊपर नीचे कर लीजिए, ऐसे ही बिना टिकाते हुए ऐसे करो करो। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, पैरों को ऊपर नीचे करना है, सिर्फ साइकिल नहीं करनी है, ऐसे ऊपर करेंगे नीचे करेंगे ऐसे। हाँ ये सही है। तो पेट का अनुमान ऐसे लगाया जाता है। तो महर्षि घेरण जी ने जो श्लोक कया बोला है, और ये सब ऋषि मुनियों ने जो कहा है ना, वही करना है। आजकल तो बहुत यूनिवर्सिटीज है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, क्या क्या बकते रहते हैं, ऐसा करो, ये ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं। आपको जो ज्ञान गुरुओं से मिलता है, दोनों पैरों से एक साथ कर लो, ऐसे दोनों पैर उठाइए, अर्धलासन में नीचे करिए, वापस उठाइए। तो गुरुओं ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं सब कुछ, ये गीता जो है ना, ये मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आपने मोबाइल लिया, टीवी लिया तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है, गाड़ी लिया, और शरीर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? श्रीमद भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बैठना है, कैसे चलते फिरते रहना है, व्यवहार कैसे करना है, कर्म कैसे करना है, यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, ये सारे कार्य हमें करने हैं, यज्ञ दान तप कर्म, ये सब सिद्ध होता है जब हम योग करने लगेंगे। और यज्ञो दाम शपथ पावनानि मनीषिणाम। दोनों पैरों से हो गया, अब एक एक पैर उठा के ऐसे गोल घुमाइए, ये दूसरा अभ्यास, लेट करके ये दूसरा अभ्यास। पूरा बड़ा शून्य बनाना है। अब शून्य का और अपना नाता तो शुरू से बचपन से ही रहता है ना? कोई प्रश्न गलत हो गया तो हमारे गुरुजन इतना बड़ा शून्य बनाते हैं ना, बनाते थे, उतना ही बड़ा शून्य पैर से बनाना है। चलो थोड़ा बीच बीच में मैं विनोद भी करता हूँ, बुरा नहीं मानना है। तो आपको आलस से ना आए, आप बोर ना हो, इसलिए ये सब कुछ चलता है। और फिर एक पैर से हो गया, 25-25 बार इधर उधर से, तो फिर दूसरा पैर उठाइए और सही कृति वही कीजिए।
उठा उठा पैर को, सीधा पैर और गोल घुमाना है हिप जॉइंट में। हिप जॉइंट में भी इतना बड़ा हो रहता है, पैंट ऊपर चढ़ती ही नहीं है, और जो अंडरवेट है उनको पैंट बार बार ऊपर खींचना पड़ता है। शरीर सब तो व्यवस्थित होना चाहिए। चलो दोनों पैरों से एक साथ ऐसे घुमा लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक लोगों का आहार बताया है। घुमाते रहिए दोनों पैरों को, आपस में मिलाकर घुमाते रहिए, और एक ओर से 10 बार हो गया, दूसरी ओर से भी कर लो। थक गए होंगे, अभी विश्राम भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए ईश्वर। अभी इसके बाद 2 आसन जो है ना वो विश्राम के ही है। चलाओ अभी साइकिल, पहले चला रहे थे आप, अब साइकिल चलाओ। साइकिल चलाते हैं लेकिन नकली साइकिल चलाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा, घुटने जाएंगे काम से। बेल्ट पर चलते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, पैर जाएंगे काम से। ये नेचुरल नैसर्गिक जो क्रियाएं है वो करो। आपको साइकिल चलानी है, द्विचक्रिका चलाओ, बहुत ही अच्छा व्यायाम है। और फिर दोनों पैरों से एक साथ ऐसे आगे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे आएंगे, पूरी पूरी तरह से आएंगे, ऐसे, फिर विरुद्ध दिशा से ऐसे। ये साइकिलिंग करना है। तो भगवान श्री कृष्ण सात्विक लोगों का जो भोजन बताते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर आरोग्य आहारा सात्विक प्रिया। दोनों हाथ कंधे की दिशा में फैला दीजिए और दोनों पैर घुटने पंजे पास में लेकर ऐसे मोड़ लीजिए। एक और पैर विरुद्ध दिशा में गर्दन मरकटासन, थोड़ा आराम कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आराम के आसन है मरकटासन, कमर में, पीठ में, मेरुदंड को कितना अच्छा लगता है। गर्दन को इधर उधर गर्दन भी घुमाइए, थायराइड वजह से भी मोटापा भी होता है और कमजोर भी रहता है वेट में, तो थायराइड ग्रंथि को भी विशुद्धि चक्र जहाँ है कंठ में उसको जागृत करना है। अब गति से कर लीजिए मरकटासन, पैरों को भी इधर उधर कर लीजिए और गर्दन को भी इधर उधर कर लीजिए, गति से कर लीजिए, तो व्यायाम के रूप में हो जाएगा, अच्छा तरह से ट्यूनिंग हो जाएगा, पूरे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसे रक्त प्रवाह कहीं पर भी खंडित नहीं होगा, बीपी संतुलन होगा। और आयु सत्व बल आरोग्य जिससे बढ़ते हैं वो भोजन हमें करना है। रस्या स्निग्धा स्थिर आरोग्य आहार सात्विक प्रिया, जिसमें रस हो, षड रस, रस माने खाली पतलापन ऐसे नहीं है, रस हो, षड रस मधुर कटु लवण हाथ मधुर तीक्ष्ण और कषाय, षड रस है मधुर लवण आम्ल कटु कषाय तिक्त, तो ये षड रस होने चाहिए भोजन में, ऐसा भोजन हमें करना है। रस्या स्निग्धा स्थिर, स्निग्ध होना चाहिए, रुक्ष नहीं होना चाहिए, बार बार पानी पीना पड़ने नहीं, ऐसा नहीं करना, तो स्निग्ध होना चाहिए। फिर स्थिर होना चाहिए, आहार स्थिर कैसे होता है, आप व्यवस्थित बैठे हैं, बैठकर जूते वगैरह बाजू में करके सिखासन सिद्धासन में बैठे हैं जमीन पर, प्रसन्न चित्त है आपका, कोई तान तनाव नहीं है, विचार नहीं है, भय नहीं है, फिर भगवान का नाम लेते हुए अन्नपते अन्नचरणोदेहि नमः प्रदातारम तारिश्यम वर्ज्यम नो तेहि द्विपदे चतुष्पदे ऐसे मंत्र श्लोक बोलने के बाद भोजन कर रहे हैं। महिलाओं ने भी स्थिरता से बनाया हुआ पकाया हुआ भोजन कर रहे हैं। आजकल महिलाएं भी है ना, सीधे कर लीजिए पैर और एक पैर को ऐसे उठाकर दूसरे हाथ की तरफ लेके जाएंगे,
देखते रहती है सास बहू के, है ना, मन भी दूषित होता है। तो ऐसा भोजन करने के बाद वो ठीक से भोजन नहीं, स्थिरता से बनाया हुआ, ईश्वर का नाम लेते हुए बनाया हुआ, ब्रेक का इंतजार ना करते हुए भोजन बनाया हुआ, सीरियल चल रही होती है, दाल को तड़का देना होता है, ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं। तो ऐसे भोजन सेवन करने से स्थिर भोजन होता है, तस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहार सात्विक प्रिया, ये सात्विक लोगों का आहार है। अब आप बोलेंगे मैं सात्विक हूँ, राजसिक हूँ, तामसिक हूँ, कैसे पता चलेगा? तो आप सात्विक है, क्यों? क्योंकि आप योग कर रहे हैं, आपका देवों को पूजन होता है, देवों को पूजा करते हैं आप, तो वो सात्विक लोग हैं। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा, राजस लोग किसकी पूजा करते हैं? दैत्यों की, राक्षसों की, आसुरों की, करते रहे हो, एक एक पैर से हो गया, गति से भी हो गया 50-50 बार ऐसे ही। अब दोनों पैरों से एक बार, 5 बार इधर से कर लीजिए, दोनों पैर उठा के एक ओर लेके जाते हैं, गर्दन को दूसरी ओर। तो सात्विक हम कैसे हैं? यजन्ते सात्विका देवा, हम देवों को पूजते हैं तो हम सात्विक लोग हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, राजस लोग राक्षसों की पूजा कर, प्रेत भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना, तामस लोग तमस लोग क्या करते हैं? भूत प्रेतों की पूजा कर, ये भी गति से कर लीजिए। तो ऐसे हम सात्विक है, तो सात्विक जो आहार बताया मैंने वही करना है। अब आइए शवासन, जिसका इंतजार हो रहा था, आइए दोनों पैरों में थोड़ा अंतर कर लीजिए, एड़ी अंदर पंजे बाहर, हाथ अपने जंघा के साथ, कमर के साथ, हथेली ऊपर की ओर, शरीर से थोड़ा सा अंतरी पे रहेगा, करीबन 6 इंच अंतर रहेगा हाथों में, शरीर से बाहर, हथेली ऊपर की ओर, पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आराम से लेटे रहिए। उत्तानम शववद भूमौ, शयनम तत्शवासनम, शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम। स्वामी सात्माराम जी, महर्षि गेरन जी यही कहते, उत्तानम शवोद्भुम शयनम तत्शवासन, शववत पड़े रहना है, शव में हमारे शरीर में इतना ही अंतर रखना है, शव के प्राण गए हुए होते हैं, श्वास बंद होती है और हमारे श्वास जारी रखनी, श्वास प्रश्वास करते हुए आंखों के बंद रखते हुए लेटे रहना है, शवावत कोई हलचल नहीं, शरीर को वातावरण के साथ ढीला छोड़ दीजिए, जो भी वातावरण उष्ण है शीतल है, वातावरण के साथ शरीर को एकाकार कर लीजिए और मन को प्राण के साथ, अपने श्वासों के साथ एकाकार, आंखें बंद रहेगी और बंद आंखों से हमारे शरीर का नजारा देखते रहना। हाँ, शवर्त हो गए है, शव हो गया है, शव में रूपांतरित हो गया है हमारे शरीर, सिर्फ सांसों को चलाते रहे और बंद आंखों से अपने पैरों की उंगलियों देख लीजिए, जिस भी अवस्था में उंगलियों की थोड़ी सी हलचल कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, शिथिल कर दीजिए, पैर के पंजों को देख लीजिए पूरी तरह, थोड़ी सी हलचल इधर उधर ऊपर नीचे करके शिथिल कर दीजिए, पैरों को टखने नों को देख लीजिए, पैरों के थोड़े से वहां पे जो भी अस्थियां है, रस रक्त मांस में, अस्थि मज्जा उसमें थोड़ा सा खिंचाव तनाव महसूस कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए,
संकल्प से देह को शिथिल करना है, साक्षी भाव से दृष्टा भाव से देह को शिथिल करना, एंकल ज्वाइंट से यानी टखनों से लेकर घुटने तक का जो भाग है यानी पिंडलियों को बंद आंखों से देख लीजिए। जो भी अवस्था में थोड़े से अंदर ही मसल्स को खींच लीजिए ऊपर की ओर, ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के दोनों घुटनों को देख लीजिए बंद आंखों से, थोड़ा सा उसमें हलचल निर्माण कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए। जो डिस्क है उसको तो खींच सकते हैं हम स्नायु से, ढीला छोड़ सकते। जंघाओं में थोड़ा सा खिंचाव निर्माण कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। नितंब पूरी तरह से जमीन पर स्थित है, कमर को थोड़ा सा हिलाते हुए शिथिल कर दीजिए। मेरुदंड को रचना पूरी देखते हुए वर्टिब्राज टेलबोन से लेकर सर्वाइकल तक सारी मेरुदंड की रचना हमारे बंद आंखों के सामने पूरी तरह से उसमें अकड़न जकड़न बाहर करते हुए शिथिल कर दीजिए। पीठ के जो अग्रभाग है वो पूरी तरह से जमीन पर स्थित है, महसूस कीजिए। कंधों के जो त्रिकोणीय भाग है, कंधों को शिथिल कर दीजिए। हाथों की उंगलियां बंद आंखों से देखनी है, थोड़े से आगे पीछे करते हुए हलचल करते हुए शिथिल कर दीजिए। हाथों की कलाइयां से लेकर कोहनी तक जो हाथ है उनका दृश्य हमारे बंद आंखों के सामने कोहनी से लेकर कंधे तक पूरा जो भुजाएं है उनको बंद आंखों से देखना है। अंदर ही अंदर थोड़ा सा तनाव खिंचाव करके शिथिल कर। सर जमीन पर टिका हुआ है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर है जमीन से, अब ऊपर तक आए हैं तो ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि डाल दीजिए, साक्षी भाव से स्थिति डाल। मेधा की रचना देख लीजिए, मेंदू की ब्रेन की रचना देख लीजिए, वहां पे कैसे स्पंदन हो रहा है जान लीजिए। कपाल को देखिए, चमकदार कपाल हमारे चेहरे पर एक मुहर की मुस्कान लेते हुए पूरे चेहरे को, प्रसन्न चेहरे को बंद आंखों के सामने। आज्ञा चक्र जहाँ प्रकृति के मध्य में है, आज्ञा चक्र को एक ज्योति प्रकट हो रही है, ओम स्वरूप जो ज्योति है उसको और प्रज्वलित करना है। मन ही मन ओम ओम का उच्चारण करेंगे तो आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। जो भी ऊर्ध्व जत्रु समस्या है वो आज्ञा चक्र से कंट्रोलित नियंत्रित होती है। गले में विशुद्धि चक्र है उसको जागृत कर रहे हैं। एक लाड़ को निगल लीजिए, पूरे पाचन तंत्र को देख सकते हैं सामने की ओर। नाभि चक्र वहां पर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र के बीच जो हृदय चक्र है, अनाज चक्र है उसको भी जागृत करते, प्राण शक्ति को ऊर्ध्व रहता बना। मल द्वार और मूत्र द्वार के बीचों बीच एक मलाड चक्र है, उसके अलग अलग मंत्र है, बीज मंत्र है, तत्व अलग अलग है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल तत्वों के साथ
पूरे दोनों पैरों को देख लेते हैं, पूरा शरीर निश्चल हो गया है, पूरी तरह से शिथिल हो गया है, पूरा भार हमारे धरणी माता की गोदी में हम अपने आप को सुपुर्द कर दिया है। जैसे एक बालक अपनी माता की गोदी में अपने शरीर को छोड़ देता है, ऐसे ही हम हमारी मातृभूमि की खुशी में गोदी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना है। पूरी तरह से शरीर शिथिल हो गया है, शवव्रत हो गया। अब श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए, श्वास और प्रश्वास करते हुए, श्वास ले रहे छोड़ रहे, तीन आवर्तन पांच आवर्तन कर लीजिए। धीरे धीरे शरीर की हलचल जारी रखिए। पूरा शरीर शिथिल हो गया है तो जनतलता उसमें वापस चेतना भर देते हैं। दोनों हाथों की उंगली आपस में फंसा कर ऊपर खींच लेते हैं, शरीर को नीचे की तरफ तानते हैं पैरों से पूरी तरह से। जैसे ताड़ासन हम करते हैं वैसे ही लेट कर ताड़ासन करेंगे, पूरी तरह से खींचेंगे शरीर को, थोड़ा सा हिलाएंगे, मस्ती से एक अंगड़ा ही लेंगे, आंखें बंद ही रखते हुए हाथों का घर्षण कर लेंगे और फिर हाथों के ऊपर हाथ रखेंगे, आंखों के ऊपर आराम से आंखें बाई करवट लेना है, दाहिने हाथ पर सपोर्ट। तो व्यायाम के साथ आपकी योग निद्रा ये ज्यादा देर की जाती है, लेकिन समय के अनुसार हम अब कोई भी अभ्यास करेंगे रोगोपचार की दृष्टि से, तो अभ्यास के साथ प्राणायाम जरूरी है। सारे प्राणायाम 8 के 8 प्राण, आइए लंबा गहरा श्वास भरेंगे, प्राण साधना में प्रवेश करेंगे। जबकि हमारे पास समय कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट भस्त्रिका का, 5 मिनट कपालभाति, वैसे गले थायराइड के लिए बहुत जरूरी होता है कि उज्जायी प्राणायाम, प्राणायाम आप रोज करते होंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और भजन के साथ करेंगे। एक परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने गाया हुआ भजन है, तो सुनते हुए भाव से करेंगे, कपालभाति करिए। तैयारी रखिए, तो ये ऐसे अभ्यास करके हम अपना मोटापा कम कर सकते हैं। जो भी हम अभ्यास करेंगे, पसीना बहने लायक जो भी काम, तैयारी रखिए, कपालभाति प्राणायाम। तो प्राणायाम सभी इसमें करना ही है, प्राणायाम जरूरी है। 8 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम, और फिर करते रहिए भजन सुनते हुए करेंगे, भाव से करेंगे। कपालभाति हुआ तो अनुलोम विलोम दुनिया तो हरा
का सहारा सारा आइए हम भी गा लेते हैं, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर भी करते हुए थाली को बजा देते हैं। एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूप्रेशर हथेली में पैरों में जो जो बिंदु है, जोर से ताली बजाई एक्यूप्रेशर हो जाएगा। आइए अब अंतर जगत में चलते हैं। पहली उंगली माथे पर रखेंगे, फिर 3 उंगलियां आंखों पर, अंगुष्ठ से कान बंद मुख भी बंद, ओम का नाद करेंगे नासिक। ऐसे भ्रामरी 3 बार 5 बार से लेकर 11 21 बार तक कर सकते, और भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। एकदम सीधे बैठ जाते, समम काय शिरो धारयन् अचलम् संप्रेक्षणाशिखाग्रं सन्दिशश्च नभः। हमारे बंद आंखों की दृष्टि जो है नासिका अग्र पर है, मेरुदंड सीधा सर्वाइकल के साथ, गर्दन सीधी। हम वगैरह श्वास भरेंगे बाहर करेंगे, और श्वासों के ऊपर उसका अनुभव करते हुए मन को टिका देते। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे सदा तेरे अंग संग,
यही भाव हमारे मन में रहे। भगवान भी कहते हैं यो माम पश्यति सर्व सर्वम च मई पश्य तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्य। जो सब में मुझी को देखता है, सर्वत्र मुझी को देखता है, ना तो वो मेरे लिए अदृश्य है ना मैं उसके लिए अदृश्य। भगवान भी हमें आह्वान देते हैं तो सदा भगवान के ईश्वर के सानिध्य में। ऐसे भाव से थोड़ी देर सुबह शाम जैसे भी हमारे पास समय होगा कुछ देर चिंतन किया करो, ध्यान किया करो, उपासना किया। आंखों को बंद ही रखिए, हाथों का आपस में घर्षण कर लेंगे। जब तक हाथ गर्म होते हैं उस तब तक घर्षण कीजिए, और गर्म हाथ होते ही अपने बंद आंखों को उसमें उष्मा देनी है, ऊर्जा देनी है, और धीरे धीरे हाथों के ऊपर ही दृष्टि डालते हुए हाथों को आंखों को खोल देना। थोड़ा और समय लूंगा, 2 मिनट का। सिंहासन और हस्यासन बहुत जरूरी है, आइए हंसते खेलते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, है ना। और जैसे हम श्लोक गाते हैं महामृत्युंजय मंत्र, उर्वा रुक्मी व बंधना मृत्योर मुक्षीय मामृता, सिंह मुद्रा में बैठिए। जैसे एक पका हुआ खरबूजा मधुर होकर अपनी लता से अपने आप छूटता है, वैसे हम हमारे पूर्ण आयु को प्राप्त करने, तो ऐसे बैठिए सिंह मुद्रा में, जीवा बाहर आंखें बाहर, ऐसे मुझे डराइए ताकि मैं कल नहीं आऊं और डराते हुए गले से आघर्षण करते हुए आवाज करनी है सिंह की, आंखों की शांभवी मुद्रा ऐसे बीचों बीच लेना है, गले की मसाज कर लीजिए और लाड़ को अंदर ले लीजिए। लाड़ को निकलना रहता है, तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, दारू मत पियो, मांसाहार मत करो, है ना। चलो ऐसे बैठो, ऐसे बैठे हाथ ऐसे घुटने पर, और पूरे हाथ ऊपर लेते हुए ठहाका लगाते हुए हंसेंगे मस्ती से हाँ और एक बार ये और आनंद से बहुत अच्छा, आपको हंसाया नहीं तो राजू जी नाराज हो जाते थे। आइए नहीं, नमस्कार बहुत मुद्रा बहुत में सुंदर बैठिए ओमर हम और प्रार्थना से समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पते शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने माता पिता को गुरुजनों को नमन करते हुए धरणी माता को भी नमन कीजिए, ये मातृभूमि हमें अभी माता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, योग सिखाने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद ओमर, धन्यवाद, ओम धन्यवाद मधुसूदन जी, शुभ बहुत दिन। सुंदर प्रशांत। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के, बिल्कुल उतना ही उत्साह से ताली बजाना है। मधुसूदन जी बहुत सुंदर संदेश दिया, एट द एज ऑफ 66, देखो सभी साधक के लिए एक प्रेरणादायी है, एट द एज ऑफ 66 क्या नहीं कर सकते, कितना उनमें उत्साह, कितना फ्लेक्सिबिलिटी। और बहुत ही समय हो गया, 3 मिनट ज्यादा हो गए, फिर भी मैंने रोकने की कोशिश नहीं की उनको, क्योंकि उनका उत्साह सभी का जो समर्पण था बहुत सुंदर था। निश्चित रूप से समय हो गया, फिर भी जिज्ञासा एक दो बिल्कुल संक्षिप्त में हम लेना चाहेंगे। हमारे एमपीके के ओम अंदर आनंदमल सेठिया सर कुछ विचार व्यक्त करेंगे, आनंदमल जी, सर अलका पहले जी और शांकला भी हाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी अलका जी श्रृंखला हमारे कल्याणम योगा की फाउंडर सूरत से है, बिल्कुल अलका जी भी कुछ बात कर सकते हैं निश्चित रूप से। अलका जी को अलका जी अनमुट ऑप्शन दीजिए। हाँ हाँ
सर। अलका जी श्रृंखला फ्रॉम सूरत, जो हमारे जय कल्याणम जो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सचमुच आज की क्लास बहुत सुंदर थी। मतलब क्या स्पीडी क्लास ले रहे थे, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि योगा में दोनों भी होता है, स्थिर सुखम आसन भी होता है, पर आज की सबकी जरूरत है वो इस तरह स्पीडी थी, क्योंकि हमारे फैट जो निकलने चाहिए, हम जो खाते हैं जो पीते हैं उसको निकालना, कैलोरी जलाना बहुत जरूरी होता है, और इस तरह अगर हम स्पीडली करेंगे तो रियली इट्स वंडरफुल। और इनका स्टैमिना देख के सैल्यूट इनको, और इतना सब पूछा, समय हो गया इसलिए मैं इतना ही कहूंगी। इट वॉज ग्रेट, मधुसूदन थैंक यू। जी, अलका जी भी हमारे फाउंडर है कल्याणम की, और बहुत अच्छी ट्रेनर है, सभी विषयों पे कमांड है, उन्होंने योग धाम से कोर्सेस किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंदमल अच्छा, सर, आप कुछ बोलना बहुत चाहेंगे बाद अच्छा। में यस, जिज्ञासा? बहुत बोलिए बहुत सर, धन्यवाद आनंदमल। डांगे सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था योग और अध्यात्म, योग और अध्यात्म दोनों साथ साथ चल रहा है। हम गीता के श्लोक सुनते हुए योग कर रहे हैं, और इतना सुंदर तरीके से योग के साथ अध्यात्म को जोड़ते हुए। और जो आज हमारा टॉपिक था, ओबेसिटी, वजन बढ़ाना है, वो मोटापा घटाना है, वजन घटाना है, तो ये जो जैसा अलका जी ने कहा बहुत जरूरी होता है। फास्ट हम स्थिरम सुखम आसनम में आसन लगने के बाद रुकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये हमारे लिए इफेक्टिव होता है, और इससे बहुत शीघ्र मोटापा कम होता है, वजन घटता है। तो आज का जो टॉपिक, बिल्कुल टॉपिक के अनुसार हमने सारे प्रयोग किए, बहुत सुंदर तरीके से। मैं देख रहा था सभी कर भी रहे थे, जिनके जिनके वीडियो ऑन थे सबने किया बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी तरह हमारे साथ मधुसूदन जी आप जुड़े रहिए, और आगे भी हम आपको आमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़ जरूर के जरूर जरूर, कोई बात नहीं, लिए। और जरूर। मैं ओके तीनों okay. संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। क्या अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी एक साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज, एक घंटा रोज, रोज फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। रोज,